चार धाम की यात्रा पर गए थे, वहाँ मैं दांडी में बहुत बैठी क्योंकि पैदल चलने में मुझे सांस की तकलीफ हो जाती, तो उसमें बैठ के जो मतलब वहाँ से जो वापस आए उसके वजह से मेरे घुटनों में दर्द शुरू, हमारे घुटने में ज़्यादा दर्द होने लगा। तो उस समय जब बैठ के उठती थी तो बिल्कुल मतलब चलने में दिक्कत होती थी, और थोड़ी सी दूर चलती थी तो ऐसा लगता था कि मेरी चाल बहुत अलग सी हो गई है, नॉर्मल नहीं चल पाती थी। मम्मी को घुटने में जब प्रॉब्लम चालू हुई थी तो उनका एक तो पैर लॉक होने लगा था, घुटना लॉक हो जाता था, दूसरा उनकी चाल धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। तो हम खूब फोर्स करते थे मम्मी को कि आप एक बार जाके दिखा दो। तो मम्मी को लेके गए डॉक्टर मंडोरा के पास, तो उन्होंने एक्सरे वगैरह कराया और सजेस्ट किया कि आंटी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर उसके बाद 2-2.5 साल ऐसे ही निकाल दिए, उसके बाद भी मदर तैयार नहीं थे ऑपरेशन के लिए कि नहीं नेचुरल घुटना है, जब तक चले तब तक तो चलाना चाहिए। तो बहुत प्रॉब्लम चालू हो गई, चाल खूब बिगड़ने लग गई, एक घुटने में प्रॉब्लम थी उनके, उससे दूसरे घुटने में भी जोर आके दूसरे में भी प्रॉब्लम चालू हो गई। तो फिर मंडोरा सर के पास गए तो उन्होंने एक्सरे करवा के देखा तो बोले आंटी अब तो आपको कराना ही पड़ेगा, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। मम्मी तब भी तैयार नहीं थे ऑपरेशन के लिए, तो उन्होंने मेडिकेयर में भर्ती पेशेंट जो थे उनके जिनका उन्होंने ऑपरेट किया था उनसे मिलने का कहा कि आप जाके पहले उनसे मिलिए और आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। मदर उनसे मिले, उनसे मिलने के बाद उनको कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ ऑपरेशन के बाद ठीक हो सकते हैं। उसके बाद सर के पास गए और उनसे बोला कि आप जब बोलेंगे तब हम ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हैं। मदर दोनों घुटने के ऑपरेशन के लिए गए थे वहाँ पे कि दोनों में प्रॉब्लम चालू हो गई थी, पर आखिरी में एंड मोमेंट में सर ने एक का ही ऑपरेशन किया कि एक तो अभी ठीक है थोड़ा, तो अपन पहले एक का करें तो जिससे दूसरे की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही थोड़ी कम हो जाएगी, पहला यदि ठीक हो जाता है तो। पाँव थोड़ा सा बैंड हो गया था, बैंड हो गया था पाँव जिसके कारण दूसरे में प्रॉब्लम चालू हो गई थी। तो उस एक घुटने का उन्होंने ऑपरेशन किया, उस वक्त टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जिससे पाँव पूरा सीधा हो गया, अलाइनमेंट उन्होंने ठीक किया। पाँव सीधा होने के कारण जो दूसरा घुटना था जो धीरे धीरे डैमेज हो रहा था वो उसका डैमेज होना रुक गया। उस ऑपरेशन के 2.5 साल बाद तक सेकेंड घुटना चला, ऑपरेशन नहीं करना पड़ा सेकेंड घुटने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम थी, उनको पैदल चलने में प्रॉब्लम थी, वो सब प्रॉब्लम खत्म हो गई, मेन चीज दर्द खत्म हो गया। घुटना तो नेचुरल जो होता है वो नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल होता है, पर आर्टिफिशियल घुटने के कारण जो दर्द रहता था पहले नेचुरल घुटने वाला, वो दर्द पूरा खत्म हो गया और चलने फिरने में सुविधा हो गई पूरी। सेकेंड घुटने में जब प्रॉब्लम वापस से चालू हुई तब उन्होंने सर ने देखा वापस, अब सर ने उसमें बोला कि आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, आपको केवल पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ का ही हिस्सा घुटने का जॉइंट हो रहा था, लॉक हो रहा था। इस बार उन्होंने पार्शियल नी रिप्लेसमेंट किया, मदर ने एक बार में 6 दिन के अंदर ऑपरेशन करवा लिया बिना सेकेंड थॉट लिए। उस ये जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट किया इसके बाद सेकेंड डे से मदर ने चलना चालू कर दिया बिना सहारे, मतलब उन्होंने जो सपोर्ट होता है वो भी नहीं लिया हाथ में और बिना सहारे चलना चालू किया। 7 दिन की दवाई ली हॉस्पिटल में जो थी दी थी उन्होंने, 7 दिन की दवाई दी थी, 3rd डे तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। 7 दिन की दवाई लेने के बाद 1 दिन पेन किलर ली और उसके बाद से दवाई भी बंद कर दी, मतलब कोई दवाई भी नहीं ली, और उसके बाद से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, 2 माइल सुबह वॉक करते हैं, दिन में साइकिलिंग करते हैं 15 मिनट। रवि मुझे 3 महीने हो गए हैं, 2 माइल रोज वॉकिंग करती हूँ प्लस 15 मिनट रोज दोपहर को साइकिलिंग करती हूँ, और इतने में किसी तकलीफ नहीं है।